हेलो फ्रेंड्स, होप यू डूइंग फाइन। माय नेम इज मेहुल सोलंकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। 9 डे बाइक ट्रिप के सेकंड डे में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम भावनगर डिस्ट्रिक्ट के सीहोर सिटी के कुछ बहुत ही पॉपुलर प्लेसेस को विजिट करने वाले हैं, जैसे कि गौतमेश्वर महादेव टेम्पल है, फिर ब्रह्मकुंड है, सीहोरी माता देवी टेम्पल है, वो जो कुछ प्लेसेस है वो आज हम विजिट करेंगे। वैसे और भी प्लेसेस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी दोपहर के 4:30 तो हो चुके हैं और हमारे पास ऑलमोस्ट 2 या 2.5 घंटे जितना ही टाइम है। तो जितना जल्दी हम विजिट कर पाएंगे उतना ही आपको दिखा पाएंगे। और सीहोर जो है वो भावनगर सिटी से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे चारों ओर माउंटेन्स ज़्यादा है, रिवर है, लेक्स है, तो बहुत ही अच्छा एटमोसफियर यहाँ पर होता है। इसको ये जो सीहोर सिटी है वो बहुत ही प्राचीन, मतलब बहुत ही पुराना है। इसको महाभारत के टाइम में सारस्वतपुर नाम से जाना जाता था और इंडिया में इसे छोटा काशी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे टेंपल्स हैं इसीलिए इसे छोटा काशी कहते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे प्लेसेस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कुछ ही प्लेसेस विजिट कर पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ सीहोर सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमें भावनगर पहुंचने में दोपहर के 2 बज चुके थे और बाद में हमने लंच किया और 3 बजे के करीब हम सीहोर जाने के लिए आगे बढ़े। हमारे रास्ते में सबसे पहले आया एक पॉपुलर टेम्पल राजपरा खोड़ियार धाम। ये रिलीजियस प्लेस हमने विजिट किया और सच में हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे और यहाँ का जो रिलीजियस एटमोसफियर था वो सच में आपको एक अलग ही सुकून देता है। तो चलिए हम साथ में विजिट करते हैं खोड़ियार टेम्पल। राजपरा खोड़ियार टेम्पल विजिट करने के बाद हम आगे बढ़े सीहोर सिटी के फर्स्ट डेस्टिनेशन गौतमेश्वर महादेव टेम्पल। तो अभी हम आए हमारे सीहोर सिटी के फर्स्ट डेस्टिनेशन पर, गौतमेश्वर महादेव टेम्पल। ये जो जगह है बहुत ही खूबसूरत है, चारों ओर छोटे बड़े पहाड़ है, टोटली नेचुरल एटमोसफियर है, बर्ड्स की बहुत ही आवाज़ है और आपको ये जगह इतनी शांत और बहुत ही अच्छी लगने वाली है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि महर्षि गौतम ऋषि यहाँ पे आए थे, उन्होंने शिव जी की पूजा अर्चना की थी और काफ़ी समय तक यहाँ रुके थे। यहाँ पे जो नदी है पास में उसका नाम गौतमी है और यहाँ पे ही एक कुंड है जिसका नाम गौतम कुंड है। तो चलिए हम ये जगह, ये सुंदर जगह को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ के रास्ते में सबसे पहले मेलड़ी माता जी का एक मंदिर आएगा। वहाँ से 2 रास्ते हैं जहाँ से आप गौतमेश्वर तक पहुँच सकते हो। लेफ्ट वाला जो रास्ता है वहाँ से आप टॉप ऑफ द हिल तक जा सकते हो और राइट वाला जो रास्ता है वहाँ से आप रिवर के पास पे जो टेंपल का गेट है वहाँ तक जा सकते हो। दोनों रास्तों से आप अपना व्हीकल लेके जा सकते हो। गौतमेश्वर महादेव टेम्पल में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसलिए मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाया, लेकिन यहाँ का जो एटमोसफियर था
वो बहुत ही शांत और पीसफुल था। आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। और इसके बाद हम आगे बढ़े सीहोर सिटी के नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, ब्रह्मकुंड। तो दोस्तों अभी हम आए ब्रह्मकुंड, जो गौतमेश्वर महादेव का मंदिर है, उस तरफ जो जाने वाला रास्ता है उसके बिल्कुल ही पास में एक रास्ता है जहाँ से आप ब्रह्मकुंड जा सकते हो। ये जो ब्रह्मकुंड है, ये जगह 14th सेंचुरी में बनी हुई है। यूजुअली ऐसा कहा जाता है और माना भी जाता है, जो कुंड होते हैं वो यूजुअली वॉशिंग एंड बाथिंग के लिए यूज होते हैं। सो द वाटर इज़ नॉट यूजेबल फॉर द ड्रिंकिंग। सो यहाँ आप पानी पी नहीं सकते, आप नहा सकते हो। सो आप यहाँ पे आ सकते हो। जो कुंड है वो बहुत ही दिखने में तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे बड़े टेम्पल्स भी है। आप यहाँ पे आके आपको कुछ अलग ही एटमॉस्फेयर एंजॉय करने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं एक खूबसूरत जगह। और इसके बाद हम आगे बढ़े सीहोर सिटी ट्रिप के लास्ट डेस्टिनेशन की ओर, जिसे ढूंढने में हमें थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन लोगों की हेल्प की वजह से हम फाइनली पहुंच गए सीहोरी माता टेंपल। तो अब हम आए हैं सीहोरी माता टेंपल। यहां से जो आप सीढ़ियां देख रहे हो, यहां से हमें ऊपर जाना है। ऑलमोस्ट 20 मिनट जितना टाइम लग सकता है ऊपर जाने में। सो राघव मेरे साथ नहीं आ रहा, तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ। जल्दी से जाऊँगा क्योंकि 6 ऑलमोस्ट बज चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 20-30 मिनट में सनसेट भी हो जाएगा। तो जल्दी से जाना है, ऊपर से पूरा व्यू भी आपको दिखाना है और जल्दी से आ जाना है। और इसकी जो हिस्ट्री है या फिर अदर इन्फॉर्मेशन है वो मैं वॉइस ओवर में आपको दे दूँगा। तो चलिए जल्दी से हम ऊपर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर करीबन 800 साल पहले बना हुआ है, और ऊपर जो मंदिर है वो करीबन 900 फीट हाइट पे है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 380 जितने स्टेप्स चलने पड़ेंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर है जो सिर्फ एक चैन से बंधा हुआ है। लोग उसे माता जी का चमत्कार मानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक दूसरा चमत्कार वो भी है कि आप हिल के टॉप पर से पूरे सीहोर सिटी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो। हाँ, तो मैंने शुरुआत में कहा था कि ऊपर जाने में 15 से 20 मिनट जितना टाइम लगता है, ऐसी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी। लेकिन जब मैं गया ऊपर जाके वापस आया, तब मुझे पता चला कि ऊपर जाने में तो सिर्फ 5 से 10 मिनट तो मैक्सिमम है। उसमें तो आप ऊपर टोच पे जो टेंपल है वहाँ तक ज़रूर पहुँच जाओगे। तो हाँ, आप इतना जल्दी भी पहुँच सकते हो। अगर आप जल्दी से जाओगे तो 5 मिनट, अगर आप शांति से रुक रुक के जाओगे तो 10 मिनट भी हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। लेकिन ऊपर जाके आपको सच में बहुत ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों सीहोर सिटी के कुछ बेस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करने की एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो प्लान था वही वेल प्लान नहीं था। तो हम यहाँ पहुँचे 3:30-4 बजे, और 2 घंटे में हम कितना एक्सप्लोर कर पाते। 2-3 जगह एक्सप्लोर की, और वो भी बहुत ही जल्दी में। लेकिन अब हम जो नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट वीडियो है, उसमें हम ट्राई करेंगे कि एक प्लेस चाहे कम क्यों ना हम विजिट करें, एक्सप्लोर करें, लेकिन उसे अच्छी तरह से हम विजिट करें, अच्छी तरह से एक्सप्लोर करें, कुछ डिटेल में ज़्यादा दिखाए आपको, हम भी कुछ अच्छी तरह से वो प्लेस को एंजॉय कर पाए, उसको एक्सप्लोर कर पाए, जान पाए उसके बारे में, और आपको ज़्यादा डिटेल में दिखा पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं ये खास ध्यान रखूँगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।